मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सोनाजी नगर में कल रात एक 19 वर्षीय युवक ने घर में लोहे के एंगल से दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर और एक स्टूल के सहारे फांसी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम मोहम्मद माशूक है और पिता का नाम गुलाम रब्बानी है, जो टेलर का काम करते हैं। गुलाम रब्बानी अपने परिवार के साथ सोनाजी नगर के आनंद निवास के पांचवी मंजिल पर रहते हैं, जो बेहद ही गरीब हैं। और 19 वर्षीय माशूक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से माता पिता सदमे में है। मृतक के पिता गुलाम रब्बानी ने बताया है कि उनका बेटा पढ़ाई करता था, मगर रात में देर से घर आया और अपने कमरे में चला गया। खाना खाने को भी कहा गया, मगर उसने खाना खाने से मना कर दिया और सभी लोग सो गए। मगर जब सुबह को देखा गया तो माशूक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या बताया है माशूक के पिता गुलाम रब्बानी ने? क्या नाम है आपका और कैसे हुआ था ये? मोहम्मद गुलाम रब्बानी। कैसे हादसा क्या हुआ था? अब ये हादसा जो है वो घर में आया 1 बजे तकरीबन, और वो खाना नहीं खाया, उसको क्या टेंशन था नहीं था, हम लोग जो है सो गए और रात में जो है वो कब किया नहीं पता, सुबह में हम लोग। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को सुबह मिल रही। पढ़ाई वढ़ाई करता था क्या वो? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था। क्या नाम था उसका पता? मोहम्मद माशूक नाम। आप क्या काम करते थे? मैं टेलर का काम करता। कुछ ऐसा टेंशन वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया था कभी उसने? नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कलवा शिवाजी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि माशूक किस बात की वजह से या फिर आखिर किस वजह से इतना भयानक कदम उठाया है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।